ऑफ द इंडियन क्रिकेट सो भैया, टीम। पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आपको पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए इसलिए आपको 15 to 20 ईयर्स हो गए हैं, तो आप अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपने उसे स्टार्ट किया रणजी ट्रॉफी से, फिर उसके बाद फिर आप फिर जो इंडिया ए वगैरह होते हैं तो आप वो खेले, फिर उसके बाद फिर चैलेंजर, फिर जब इंडियन टीम में आए तो वहां से फिर आपका एक्सपीरियंस। नहीं, सबसे जो टर्निंग पॉइंट था ना, मुरादनगर एक जगह है गाजियाबाद से आगे, वहां से हम लोग पापा थे ऑनर्स फैक्ट्री में, तो वहां से मुझे लखनऊ जाना काफी वो था, मतलब घर में मैं मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं जा पाता था, दिल्ली तो मतलब बहुत दूर की बात है, तो वो गाजियाबाद से उधर जाना, मुरादनगर से लखनऊ, तो वो सबसे बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि अगर मैं वहां जा सकता हूँ। तो बोर्डिंग स्कूल था हमारे, एक मुरादनगर में ओलंपिक खेलते थे हॉकी के प्लेयर अनिल कौशिक भाई साहब, फिर हमारा वीनस स्पोर्ट्स क्लब है मुरादनगर में, उसमें गुरुजी हैं हमारे जो कोच हैं वीरेंद्र त्यागी साहब, तो उन्होंने एक पूरा वीनस स्पोर्ट्स क्लब बना रखा था, तो सारे जितने हॉस्टल के मतलब कैंपस के बच्चे ना, सब लोग उधर खेलते थे, फिर हॉस्टल में गए, फिर वहां से धीरे धीरे 98 में गए थे उधर, क्लास 8 पास करने के बाद, उसके बाद पूरा का पूरा चैलेंज था, तो मुझे लगा कि क्यों, इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे कॉलेज में ना, मतलब घर पे तो हाँ जी, पूरा फैमिली, तो इतना एकेडमी का पैसे देने का वो नहीं होता था कि 6,000 7,000 रुपये, मतलब घर का ही वो पूरा चलना होता था, तो वो चैलेंज था क्योंकि फैमिली ने बिलीव किया सारा कुछ, तो फिर मेहनत किया, फिर रणजी ट्रॉफी अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14, फिर रणजी ट्रॉफी जीते हम लोग 2006 में, मुझे भी ज्ञानू भाई का डांस याद है, वो बहुत ज्ञानू मजा आया भाई, था, ज्ञानू भाई जबरदस्त लेजेंड। लेजेंड है वो, और कैब भाई कैप्टन थे हमारे, बहुत मजा, प्रवीण कुमार ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, पीयूष चावला था उधर, और आशीष रिस्टन जैदी हमारे एक काफी सीनियर फास्ट बॉलर है, उन्होंने बड़ी विकेटें निकाली थी, तो बहुत सारे ऐसे मतलब वो रणजी ट्रॉफी का फेज बड़ा अच्छा था, फिर मैं कैब भाई पीयूष आरपी इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान टूर से, तो वो चैलेंजिंग वहां से स्टार्ट होता चले गया सारा का सारा, तो फिर ऐसे ही सब खेलते रहे, फिर रणजी ट्रॉफी में बहुत मैचेस हुए सारे के सारे, तो लंबा वो सब है। तू बता और कैसे, मतलब तेरा कैसे रुझान है, क्योंकि तेरा चेस में जो तेरे मूव है, मुझे तेरी फील्डिंग में भी मूव ऐसे ही लगते हैं, तू इधर लगा उधर ये कर, वो अच्छा लगता है तेरा सेटअप जो फील्डिंग में तू खींच लेता है बॉल। आई थिंक वह थोड़ा ऐसे ही है कि एज ए बॉलर आपको थोड़ा सा रीड करना आना चाहिए बैट्समैन को, तो वही माइंड में रहता है, क्योंकि T20 में थोड़ा पता लग जाता है कि बैट्समैन कब अटैक करने वाला है थोड़ा सा, कंपेयर टू ODI। तो उसमें मोस्टली मेरे को रहता ही है कि हाँ, क्योंकि चिन्ना स्वामी मैं खेलता हूँ, मुश्किल वहाँ पे आप चौके कम लगते हैं बॉलर्स को, स्पिनर्स को छक्के ज़्यादा लगते हैं, नहीं, वही तो उस सवाल था उसमें कि मुझे कि चैलेंज बहुत है उधर, एज ए बैट्समैन सबको लगता है कि बैंगलोर वाले विकेट में ना मिस आउट नहीं करना, जब भी कोई खराब फॉर्म में है या फिर किसी को परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि बहुत बहुत अलग बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं, वो ब्रेंडन मैकलम का हाईएस्ट स्कोर उधर बना है, फिर क्रिस गेल का हाईएस्ट स्कोर बना है, अभी विराट ने इतना जो बीच में 100 बनाया उसका, तो वो बैटिंग डोमिनेटिंग विकेट है, लेकिन तेरे जैसा स्पिनर वहां पर हर बार जब भी तू आया ब्रेक थ्रूज दिया, जितने भी और भी स्पिनर खेले, डेनियल विटोरी था जब उधर खेलते थे वो, तो मतलब स्पिनर ने हमेशा जो बिलीव किया, क्योंकि तेरा एटीट्यूड हमेशा अलग ही था कि विकेट कोई भी हो, मुझे बॉलर को और बैट्समैन का गेम है, ये ग्राउंड कितना छोटा है, ग्राउंड कितना बड़ा है वो तो बाहर है, लेकिन वो मुझे तेरा बॉडी लैंग्वेज बड़ा अच्छा लगता था, वो तो बड़ा चैलेंजिंग होता थोड़ा था। भी मेरा ये भी रहता था कि जो मुझे छक्के लग रहे हैं वो या तो प्रॉपर लग रहे हैं कि मतलब कोई मारता है 80 मीटर मारता है, या जस्ट कोई बाउंड्री से जस्ट पीछे लगते हैं, तो उसमें एक लगता था कि हाँ यार, अगर ये बॉल अच्छा है पर ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है तो शायद इस वजह से ये छक्का चला गया, तो वो एक हाँ प्लस पॉइंट वहाँ से भी आता था कि या तो आप फर्स्ट स्टैंड में छक्के लगे या जस्ट आपको बाउंड्री पे लगे, तो मेरे माइंड में ये था कि ये ग्राउंड ऐसा कि आप यहाँ पे छक्के तो लगेंगे ही, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल मैंने सोचना बंद कर दिया अपना। तो फिर मैं जो सोचता था, फिर मेरे को यह था कि यार इस ग्राउंड पे रन लगेंगे लेकिन मैं विकेट कैसे लूँ, तो फिर उसमें से फिर मैंने जब वहाँ खेलना स्टार्ट किया तो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो जो फिर मैं जो बाहर डालने लग गया बॉल, तो उसमें थोड़ा सा बैट्समैन के माइंड में ये भी रहता था यार, मैं अगर स्टेप आउट करूँ कि एकदम से बाहर ना डाल दे, तो वहाँ से थोड़ा सा फिर वो माइंड गेम चालू हो जाता है। एक्चुअली तो मेरे दिमाग में वही था कि थोड़ा सा बैट्समैन के माइंड से भी खेलो, क्योंकि मुझे पता है विकेट थोड़ा अच्छा मिलेगा, और आजकल क्योंकि बैंगलोर में थोड़ा बॉल ट्रैवल भी करता है, तो मेरा यही होता था कि बैट्समैन से मैं कहाँ छक्का खा सकता हूँ और उसकी स्ट्रेंथ से अच्छा, दूर, क्योंकि ये बीच में तो दूर दूर डालने लगा था बॉल, चाहे हाँ राइट जी हैंड को उधर उधर, मैंने कई बार देखा उधर, फिर हाँ जी थोड़ा जो बैट्समैन उधर आता था क्लोज टू द स्टंप, फिर तू आर्मर डालता था मिड और लेग की तरफ, हाँ क्योंकि जी उसमें फिर 50-50 है, स्वीप वाला शॉट या और वो पूरा बैठक वाला शॉट, या तो लगा तो छक्का, नहीं लगा तो आउट है, तो फिर वो तू
ड्रैग करता था बैट्समैन को आने के लिए, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता था कि उस विकेट पे तू चेस ही खेल रहा है एक्चुअली बैट्समैन के नहीं, साथ। क्रिकेट भी ऐसे, आप चाहे अगर आप बैटिंग करते हो तो आप भी बॉलर पिक करते हो, आपको पता है कि यार इसका स्विंग ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको आज नहीं, मैं दूसरे पर अटैक करता हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल और आपको मेनली पता भी लग जाता है कि यार हाँ आज बॉल आज से अच्छा छूट रहा है या टाइमिंग हाँ, अच्छा हो रहा है बैटिंग से, और नहीं वो आई उसके थिंक पीछे मेन मेहनत बहुत है ना तेरी, क्योंकि सिंगल या विकेट तू बहुत करता है, जैसे कुलदीप और तुम जब भी इंग्लैंड टूर पे थे, जब हाँ भी जी साउथ अफ्रीका में तुमने अच्छा किया, जब भी बाहर गए, तो हमेशा मैंने तुम्हें स्पॉट बॉलिंग करते हुए बहुत देखा, क्योंकि वो सारा यूएसपी है पुराने क्रिकेटर का, जैसे जितने बड़े बज्जूपा अनिल भाई जितने सब किए, अश्विन जैसे सभी लोग का है, वो सिंगल विकेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे रणजी ट्रॉफी में ये लोग जैसे ही खत्म होता था प्रैक्टिस तो सब दो दो घंटा बॉलिंग करते थे पुराने पुराने स्पिनर, हाँ क्योंकि जी अभी सीम का आवाज होता है, ड्रिफ्ट होता है, वो हाँ बॉल का जी सीम की आवाज आती है, तो वो मैं एक्चुअली पहले की जो कोचिंग और पहले का जो था वो एक्चुअली वो बहुत अलग होता था एक्सपीरियंस के लिए, मुझे बड़ा फायदा मिला उस सब चीजों से। हाँ, क्योंकि भी अगर आप एरिया अच्छा होगा बॉलिंग का तो फिर आप वेरिएशन पे जा सकते हो, और फिर मेरे को पता लगा कि हाँ मेरा ड्रिफ्ट भी अच्छा होता है, पर वो ड्रिफ्ट कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि बीच में ड्रिफ्ट मेरा बंद हो गया था, तो फिर अच्छा मैंने अपने पुराने वीडियोस देखे कि यार क्या क्या चल रहा था उस टाइम, मेरा दिमाग में क्या था कि, और मैं बॉल को कहाँ पिच कर रहा था, तो फिर वो और रियलाइज किया तो वो वापिस वो चीज आई। हाँ एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा तो तेरा चौका लगा लॉर्ड्स में लॉर्ड्स ठपा में चौका है भैया, लॉर्ड्स में चौका है, स्टेट ड्राइव, वो वो भी स्टेट ड्राइव। अलग ही था, जैसे चौका मारा मैंने कहा वाह, उसके बाद जो चल रहा था तो एकदम हल्की तरह की डोंट मैस अराउंड विद मी टाइप अलग था वो बहुत। वो भैया वो होते ना जैसे एक नहीं उससे पहले अपने नेट पे मुझे याद है तो पूरा सबके बैट चेक कर रहा था, तो पूरा उस टाइम उस मैच से पहले पूरा प्रैक्टिस हो रहा है, तो तू मोड में था एक्चुअली बैटिंग के मैं भैया या फिर मैं कुछ। हल्के बैट चेक करता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जिस हिसाब नंबर हमारे बैटिंग आते हैं ना, तो सब हमारी हाँ छाती चेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे नहीं कि इनको इनकी बॉल इनकी छाती से निकाल देनी है हमने, तो उस वही टाइम एक पे हल्का तूने बैट पुल होता है तो फिर इजी हो भी जाता है। मारा, ड्राइव भी मारा, फिर कुलदीप और देखो तुम भैया लोग पुल खेल रहे थे इधर, मजा आ रहा था और देखने स्वीप तो हमारे बचपन से अच्छे हैं, अंडर देखो ये तो भैया 19 में मैंने 100 बना रखा है, 135, 19 में मेरे ओ वाओ मेरे 2 साल 19 में 13 मैचेस में 700 रन है, जिसमें मैंने 275 किए हैं और कूद एक कूद वन बिहार ट्वेंटी ट्रॉफी, फाइव अरे किया। हाँ जी भैया, वाह और जिसमें हम रेस्पेक्ट। 90/7 हो गए थे अगेंस्ट हिमाचल, तो देन मेरे और मेरे फ्रेंड की पार्टनरशिप हुई थी 250 रन की, तो अच्छा उसमें मैंने 135 किया था। अरे वाह वही चहल बैटिंग थोड़ी स्किल तो बैटिंग है अपनी, पर मैं वही कह रहा हूँ अगर मैं करूंगा तो फिर आधे लोग फिर कहाँ जाएंगे, मतलब फिर की। दिक्कत नहीं, जैसे तो अभी वो मुझे मुझे एक सवाल वो पूछना, जैसे हम लोग इतने साल खेले, आई ऑलवेज बिलीव ना आरसीबी का जो टीम था हमेशा से स्ट्रांग था, हाँ जी जब भैया भी जैसे बड़े प्लेयर्स राहुल भाई से लेके, जैसे विराट ने इतना साल लीड किया पूरा बैटिंग से लेके, क्वालिटी टीम रही है, तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते थे कि 10 गेम या 14 गेम होते थे, तुम लोग का हमेशा हर टीम डरी रहती थी कि नहीं आरसीबी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हाँ जी साउथ अफ्रीका में 2009 में मुझे याद है हम लोग आरसीबी से हारे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया और विराट की पार्टनरशिप हुई थी, तो फिर आई जिसमें थिंक पांडे फाइन ने सेंचुरी बनाया था वो साल, नहीं, वो वाला नहीं, हाँ वही वाला 2009 वही वाला, वाला। हाँ, मनीष ने बनाया था सेंचुरी में, हम लोग इनसे हारे थे आरसीबी से जोबर में, ओके लेकिन इतने साल हुए, तो तुझे क्या लगता है कि जैसे कभी आरसीबी कभी जैसे फाइनल या प्लेऑफ में आती है, या फिर क्या कभी तुम लोग इतना डिस्कस करते हो प्लेयर से, तो वो फाइनल तक क्यों नहीं हो पाता, वो उसमें तुझे क्या लगता है कि क्या लैकिंग है, या फिर तुझे लगता है कि आई थिंक जो थोड़ा सा भैया जो रहता है, जो मैं 6 साल हुए मुझे करते हुए बैटिंग वाइज, तो हम हमेशा करते हैं अच्छा है बहुत ही, अगर देखोगे तो आई थिंक 85% हमने बैटिंग में हमेशा अच्छा किया ही है, कि हम एटलीस्ट 170-160 तक जाते हैं, 170 तक जाते हैं, वो भी कई बार विकेट काफ़ी टफ होता है, तो मोस्टली हमारा जो रहा है वो थोड़ा डेथ ओवर रहा है हमारा, फिर अच्छा लास्ट के जो 2-3 ओवर होते हैं उसमें काफ़ी मैचेस हुए हैं तो कि तुझे हमारे हाथ लगता है से तो निकल गए। आई स्पिनर ने तो हमेशा अच्छा किया है, तो डेथ में या बाउंड्री छोटी है, या फिर तुझे लगता है कि वो थिंक भैया बॉलर जो एग्जीक्यूट। जितने भी खेले हैं, थोड़ा सा यंग लड़के अभी ज्यादा खेले हैं हाँ हमारे, तो वो अभी जैसे सैनी लास्ट ईयर से उसने इस साल बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है वो, हाँ बहुत इम्प्रूव, सिराज काफी अच्छा सिराज, कर रहे हैं, उमेश 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 भैया अश्विन बहुत काफी अच्छा, हाँ एक्सपीरियंस, पर एक वो होता है कई बार एक फ्लो में निकल जाता है अच्छा कि हाँ उस टाइम थोड़ा सा हुआ कि आप अपने प्लान्स को नहीं कर रहे जो आप सोचते हो, वो थिंक आई थिंक वो थोड़ा लैकिंग है, क्योंकि बैटिंग वाइज तो हम हमने 230 भी बनाया है,
काफी मतलब 190 मोस्टली बेंगलोर में अगर देखा जाए तो 80% रन हमेशा 180 प्लस ही बने हैं। क्योंकि मुझे हमेशा ना आईपीएल में बैंगलोर और चेन्नई का जब मैच होता था ना, जो क्राउड आता था तो वो हमेशा अलग ही एकदम सपोर्टिव, पूरा जोश, एवरीवन इज सो पम्प्ड अप, पूरा इधर चेन्नई का पूरा फैन, उधर बैंगलोर, मतलब एक ऐसे लगता था कि ये हमेशा टॉप प्रियोरिटी होती थी उस गेम में, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के पास में होटल, यू कैन हियर द साउंड की वहीं से आवाज आ रही है, लाइट जलती है तो पता चल जाता है होटल से कि मैच मोड ऑन हो गया है। तो हर चीजें जो बैंगलोर में ना बहुत अलग फील होता है जब खेलते हैं, जो क्राउड आता है, दे ऑल आर वही अमेजिंग। क्योंकि अब सीएसके फैंस देख लो और बेंगलोर फैंस देख लो, आई थिंक दे आर मोर लॉयल फैंस। एग्जैक्टली कि मतलब जैसे हमारा सीजन कई बार अच्छा नहीं जाता लेकिन हमारे स्टेडियम हमेशा फुल रहते हैं, और हाँ वही आपका ही रहता है। इवन आपके नेट सेशन जो लगते हैं तो उसमें भी मतलब 15-15, 20-20 हज़ार लोग आते हैं, हाँ तो वो एक पैशन दिखता है कि मतलब लोगों में कितना पैशन है इस चीज को लेके, टीम को लेके, लॉयल्टी को लेके। नहीं, फिर विराट का भी पूरा सेटअप बहुत अच्छा है ना, अगर ही ये सॉलिड कैप्टन और उसके साथ जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी और जोश वाला ही जो प्लेयर होता है ना, वो कंट्रोल करता है सारी चीजें। मुझे भी वैसे जोश में फील्डिंग करना, जब आप एक अप्रोच वैसे रखते हो ना तो कंट्रोल रहता है गेम। जब थोड़े लेथार्जिक होते हैं ना तो वो टीम दूसरे टीम के प्लेयरों पे आने लगता है वो, तो 11 के 11 ऐसे ही खेलने चाहिए, स्पेशली जब व्हाइट बॉल क्रिकेट है तो जोश ही चाहिए वो फैंस में, फिर फैंस। ये चीज मेरा हाँ होता था जब मैं स्टार्टिंग में 2014 में आया, तो विराट भैया अच्छा कवर पे खड़े होते थे, तो वो उसमें वो ऐसा लगता था कि उन्होंने विकेट ली है, तो वो इतनी इतनी अच्छा एनर्जी उस साइड से आती थी कि बंदा ना पंप हो जाता था। तो 2014 में मैं आउट करने के बाद ना बैट्समैन की तरफ भाग जाता था मैं, एक पंप के उसमें हो गए। तो फिर मुझे 2-3 मैच हुए, थोड़ा एम्पायर था उसने, मैच रेफरी ने बोला प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल। तो पर वो एक मैच में ना हो जाता है, तो बाद में 2-3 बार मैच हुआ तो मतलब मुझ पर थोड़ा फाइन लगने वाला था। तो एक दिन फिर मुरली सर और डैन सर बैठे, कह रहे कुछ भी हो जाए प्लीज तू कवर की तरफ भागियो, विराट है अच्छा वहां जाके तू कुछ भी बोल चलेगा लेकिन बैट्समैन की तरफ प्लेयर नहीं भागना। क्योंकि के वो नहीं, एनर्जी आ बैट्समैन जाती है भैया, जो जब भी हम आप खेले हैं, हाँ जैसे आप फील्डिंग करते थे, जब मैं बिल्कुल पहली बार टीम में आया और जब आप जो बेंगलोर वाला मैच जिसमें मैंने 6 विकेट ली थी, वो मेरा पहला सीरीज था जिम्बाब्वे के बाद मेन टीम के साथ। हाँ इंडिया वाला मुझे याद है और तुम्हें बोले। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा रैना भैया के बारे में, क्योंकि भैया का भी जर्सी नंबर 3 था और मैं उस टाइम 3-3 से खेल रहा था, तो इनकी एक इतनी अच्छी बात थी कि इन्होंने मुझे बोला तू 3 से खेला चल, तू जब आप उधर आए थे इंग्लैंड में T20 में आए थे, क्योंकि वहां पे तो बेंगलोर में मेरा 6 था पर ओडीआई में भी मैं आपका पहली बार खेला था, तो वहां पे आपका 3 था, हमेशा 3 से खेलते आए हैं। तो फिर जब आपने मुझे बोला नहीं नहीं तू अभी खेल रहा है, तू ही 3 से खेलेगा, नहीं तो एक नहीं वो एक बिल्कुल, अच्छा, वो एक वो अच्छा लगता है भैया, लेकिन ब्लेसिंग वो एक ब्लेसिंग के मोमेंट होते हैं, साथ। वो एक लगती मतलब काफी नॉर्मल बात है लेकिन वो अगर फील किया जाए कि आप अपना नंबर किसी और को दे रहे हो। नहीं, उसी को दे रहे हैं जिसको बिलीव है और जिसको आशीर्वाद है और ब्लेसिंग भी, कोई और टॉप क्रिकेटर और तेरा मेरा जो है चीजें हैं बहुत सारी चीजें सिमिलर है लाइफ में, ऑफ द फील्ड, फैमिली बैकग्राउंड से लेके। और वो नंबर इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि तू जब खेले तो मुझे ऐसे लगे कि मैं खेल रहा हूँ, तो मेरा प्यार है तेरे लिए, छोड़ना नहीं क्योंकि वो पिच में कई बार नंबर बीच में हुआ जब खेला था, थ्री। तो आपके फैंस ने काफी मुझे बोला था। तो नहीं वो मैं तो कहा तुझे नहीं सपोर्ट नहीं सपोर्ट करेंगे, वो तो सारे फैंस हाँ हैं कि नहीं नहीं वो देश के है, मैच में हमारा देश पूरा साथ है, यस जब यस आईपीएल भी होते हैं तो ग्राउंड में देखते हैं, लेकिन फिर जाके वो ही सीएसके का फैन, आरसीबी के फैन साथ में, दे मस्ट बी हैविंग बियर टुगेदर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हाँ हम हारते हैं या फिर तुम लोग जीतते हो, जब हम जीते हैं या तुम लोग हारते हो, तो वो सब, दे मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ फन टुगेदर। तो यही यस ब्यूटी भैया आईपीएल की, 1.5 मंथ जब यू एंजॉय इच अदर, यू गो टू बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और आई थिंक बॉम्बे, एक किसी, फेस्टिवल की तरह हो गया भैया ये 2 महीने का बिल्कुल फेस्टिवल, क्योंकि आप तो हाँ मतलब 12 साल से खेल रहे हो, आपका 13वां साल था, मेरा ये 10वां साल था, तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये 2 महीने ना एक फेस्टिवल की तरह है, मतलब वो पता ही नहीं लगते थे कि 2 महीने कब कैसे गए, जब पता तब लगते जब वो टूर्नामेंट खत्म होने वाला होता तब यूँ लगता था यार क्यों खत्म हो रहा है। फिर एकदम से आ जाता था आईपीएल की, जब आप टूर करो, इधर खेलो, उधर जाओ, फिर लगता था कि आप फिर आ गए, फिर प्लानिंग करते थे, फिर बाद में सब, हाँ जैसे बीच में हम लोग का, तुझे याद होगा हम लोग बीच में सब सीनियर प्लेयर जब थे, हम लोग वर्ल्ड कप भी खेले उधर, सॉकर वर्ल्ड कप था, रोहित, तू, मैं, हाँ जी सब लोग, कुलदीप, मनीष पांडे, हम लोग सॉकर मैच देख रहे थे, तो सब लोग ऐसे करते, किसी के बारे में कुछ बताना नहीं है, वी हैव टू बी, यू नो, थोड़ा प्राइवेट, या तो वैसे जब बड़ा कोई रहता है किसी क्योंकि।
कोई किसी को चीयर भी कर रहा होता तो पहले देखा जाता था यार यहाँ पे सपोर्टर किसके ज्यादा है, कौन सी फुटबॉल टीम के ज्यादा है। फिर तभी से वो आवाजें आती थी, कांटे। एक मेरा सो भैया बहुत अब इम्पोर्ट एक हाँ एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी ये लॉकडाउन है सारा कुछ, और तुझे लगता है कि जैसे अभी 2020 वर्ल्ड कप है और आईपीएल है, तो ये क्लोज बिहाइंड डोर होना चाहिए और बिना स्पेक्टेटर के होना चाहिए, बिकॉज हम कभी खेले नहीं है बिना फैंस के ग्राउंड पे, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे प्योरिटीज होंगी, सारी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, मतलब डिकेड्स हो गया होगा कि कभी फुटबॉल या सॉकर हाँ जी गोल्फ के कोई भी ऐसा मैच लाइव नहीं आ रहा। जब भी नहीं तो बिल्कुल जब भी सॉकर के मैचेस हम इतना देखते थे, प्लेस्टेशन खेल रहे हैं या कुछ भी मतलब, लेकिन ऐसे हुआ कि थोड़ा सा रुक सा गया है सब कुछ, कि स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, बिकॉज इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, प्योरली थिंकिंग की वो चैलेंज लग रहा है मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग भी जैसे बेसमेंट में कभी जिम करना है तो फिर जिम के बाद लग रहा है कि कैसे कंट्रोल करना है, कि ऊपर जाएंगे तो यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स कितना भी देख लो, लेकिन एक कितना भी एक आप ये नहीं फियर है होगा। माइंड में कि सुबह उठेंगे हाँ कहीं जी कुछ होगा तो नहीं, सब लोग खुश हाँ जी हैं, सब हेल्दी हैं, किसी का कुछ वो तो नहीं है, तो तुझे क्या लगता है कि वो चीज में क्या करना चाहिए आई लॉकडाउन? थिंक भैया जितना अभी घर पे रहें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि, और ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ जैसे स्वाइन फ्लू की तरह कि आप कुछ खा रहे हो तो आपको सही होगा। अगर 1% भी एक बंदा अगर बच गया और फिर हमने वापस लॉकडाउन खोल दिया, ये वापस भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल चीज़ ऐसी है भैया जब तक ये 100% नहीं जाएगा। और अगर हम फैंस के पीछे से, अरे कहाँ गए आप? हेलो रानविया, हेलो रानविया, रानविया, ओ रानविया, अरे खाए भी हो गए तो। हेलो हेलो, ओ आई थिंक लगता है स्टेडियम की लाइट चली गई है। और रैना भैया, सुरेश भैया लेफ्ट, अब रैना भैया वापिस आएंगे। सेल स्विच ऑफ तो नहीं होना चाहिए, उन्हें पता है हम। हाओ कोच मैगैम्बो, हाउ आर यू माय ब्रदर? ओके आई विल सी भैया का मैसेज। थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण कभी भी हो जाता है ना यार, वो मैचेस टाइम पे थोड़ा सा लाइट वगैरह चली जाती है तो थोड़ा सा हो जाता है। ये हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है और अभी हम थोड़ी देर में मैच भी खेलेंगे। एक लगता है रहना भैया की बैटरी चली गई है। क्वेश्चन है अभी घर पे है, भाभी भी उधर, बच्चे भी उधर, तो इनकी फ़ोन की बैटरी कैसे चली गई? हेलो CSK, ओ राना भैया इज बैक। ओके यस सर, मैं आई एम एडिंग यू। हो जा यस राना भैया, यू हैव टू सेंड मी रिक्वेस्ट अगेन। तो राना भैया जी गोला, यस कनेक्टिंग कनेक्टिंग। सॉरी ओ ब्रदर, लाइट चली बीच गई, मैंने में भेजा था। हेलो भाई, एंटीना ठीक करके आओ, पीछे उसका वाईफाई का। तो मैं भी लोगों को करता पता हूँ चलना चाहिए हमारे भी नॉर्मल लाइट है, ऐसा नहीं। सर, ये आज मैच CSK में है तो आपने बिल नहीं भरा था क्या बिजली का? नहीं, बिल भरा था एक्चुअली, हम लोग, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तू गुड़गांव में है, और हम चेन्नई और बैंगलोर की बातें कर रहे थे, तो यू कैन इमेजिन कि बहुत दूर कनेक्शन लगा हुआ है उधर, तो ये इधर मुझे से लग रहा है कर कि दिल्ली कैपिटल ने तार काट दी हमारी। तो लगता ऋषभ पंत चढ़ा हुआ है कहीं सोच टेंशन ही रहे, पंत खंभे पे लगा हुआ है, ऋषभ काटू काटू। वेट ही कर रहा था अरे कि ये हमारी टीम के साथ मैच खेलने आ नहीं रहे हैं, अपने ही उधर साउथ के मैच खेल रहे हैं, दिल्ली में तो आओ। हाँ पंत भी आजकल उधर है ना अपना रुड़की में फैमिली के साथ। उधर ट्रेनिंग चल रही है उसकी, बीच में हुआ था बात, अच्छा स्ट्रांग लग रहा है वो टॉप क्रिकेटर लगता है मुझे, बहुत तगड़ा वो प्लेयर है है, वो, बीच में वो फटने वाला बंदा है वो। हाँ वो मतलब जब खेलता है ना तो ऐसे लगता है कि खुशी होती है ना कभी कभी, जैसे हाँ
यूवी पा खेलते थे, पाजी, वीरू भाई, जितने बड़े बड़े प्लेयर जो बैटिंग डोमिनेट करते थे, वो जैसे राहुल भाई जो फ्लिक मारते थे इधर, फिर तुझे याद होगा वो वेंकटेश प्रसाद ने जो सोहेल को वो पीछे जैसे डंडा मारा उसको वर्ल्ड कप में, तो कुछ मोमेंट ऐसे ना देख के जेनुइनली एक खुशी होती है। तो ऋषभ का मेरा वैसा है वो, मेरा स्टेट ड्राइव तेरा कर स्टेट दे ड्राइव, एग्जैक्टली इधर वो उसको भूल ही गया मैं। वो पहले वाला तू चाहिए अच्छा बिल्कुल। तो वो बैंगलोर का बता रहा था जब 6 विकेट लिए थे, तो वो सेइंग समथिंग ना इंडिया का जब या खेला तो जिम्बाब्वे के बाद। वो एक था भी, उससे पहले हम जो बात कर रहे थे अपना कोरोना पे कि अगर ये चीज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ कई लोगों के सपनों में भी आता है वो तो हाँ पर ये यार भी एक काफी एक्चुअली सीरियस थिंग है, मतलब क्योंकि क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप घर पे बैठो, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल सही आप बात है। इसको किसी एज चीज ए से खत्म फादर, नहीं कर एज ए सकते। हाँ एज ए फादर, अभी जैसे 2 बच्चे हुए हैं बीच में, तो काफी हाँ चैलेंजेस था मेरे लिए। बड़ा वो सो थैंकफुल कि जितने डॉक्टर्स, जितने भी मिडवाइफ, जितना भी था पूरे इंडिया में, अभी सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने अच्छे से लुक आफ्टर किया, यूपी का भी सब अच्छा, सारा कुछ चल रहा है, इंडिया में सब अच्छा चल रहा है यार। गुड़गांव में सबसे कम केसेस हैं, वहां पे सब इतना या अच्छे, गुड़गांव पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, मुंबई पुलिस, और जितने भी अभी आया सारी कि कॉप्स हैं। गोवा में एक भी केसेस नहीं है, हाँ ये गोवा अच्छा काफी थोड़ा अच्छी थोड़ा न्यूज बेटर है। हुआ है विद गॉड ग्रेस। तो उस टाइम पे मुझे था कि बच्चों का ऑनलाइन जैसे स्कूल का क्लासेस चल रहे हो, पहले वो 9:30 बजे सोना, सुबह टाइम पे उठना, तो वो थोड़ा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बच्चों का पूरा माइंड स्ट्रांग हो रहा है ना, तो वो बन रहा है उनका पूरा, तो वो थोड़ा चैलेंज है क्योंकि उनको पता नहीं है, पर उनको पता है कि जब मोदी जी आएंगे तो क्या, अभी अभी दिए जलाने हैं पापा की, कैंडल जलाने। मैंने कहा नहीं, अभी जब आएंगे तो फिर देखना वो बेटा, एक फिर प्लान करेंगे। नहीं हाँ इस बार मुझे लगता है ना, हम मैं कॉप्स को जाके केक दे के आऊंगी और उनको सो बोलूंगी स्वीट हमें जाने दो रोड पे, आप ये केक खा लो। मैंने कहा नहीं, केक तो लेंगे नहीं वो वहां। सही बच्चे हैं ना, उनके बेचारे वो दिल के वैसे ही साफ होते हैं, उन्हें कुछ आइडिया वगैरह होता बात नहीं है। तो वो था क्या कहते हैं हम, हार मेरे को उस मैच की याद है जो 6 विकेट लिए, रिमेम्बर आपने जब कैच पकड़ा था, बिलिंग्स आउट हुआ था, हाँ तो हाँ हाँ उसकी अगली बॉल पे जब रूट आया था हाँ जो रनआउट वाला हुआ था ना। मुझे वो याद है जब